Hello dear students, this is chapter 1 real numbers and part 2. This is for CBSE grade 10 and this is Mayank sir from the New Tulip International School. So in this video, this is part 2, we are going to see the fundamental theorem of arithmetic, then finding LCM and HCF with prime factorization. This is actually the topic of 6th, 7th and 8th standard, but here we will do revision because it is asked many a times. And then the great relationship between LCM and HCF, that LCM into HCF is equal to A into B, where A and B are the two numbers. So in part 3, the next part, we are going to see the revisiting irrational numbers and rational numbers and decimal expression. So first, fundamental theorem of arithmetic, that every composite numbers can be written as the product of powers of primes. Matlab koi bhi composite number hota hai, that is the product of prime numbers. Composite number matlab kya hua, koi bhi number hota hai uske do to factor hote hi hai. एक तो वन और दूसरा है नंबर इटसेल्फ. और अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे. अगेन आई रिपीट, कोई भी नंबर होता है उसके दो तो फैक्टर होते ही है, एक तो वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ. अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे. जैसे कि 5 ले तो 5 के दो फैक्टर है 1 एंड 5, तो वो एक प्राइम नंबर हुआ. जबकि हम 8 ले तो उसके फैक्टर्स 1, 2, फिर 4, 8, ये चार अलग अलग फैक्टर हुए. दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है, वो 2 के टेबल में 4 के टेबल में आता है. तो फॉर एग्जांपल 12, तो 12 को हम अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ. तो यहां पे 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 एंड 3. दीज मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. किसी भी नंबर का आप नंबर को आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना आना चाहिए. ऐसा भी एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. We can find LCM and HCF with these method also. This is the application of these method. LCM, that means lowest common multiple, and HCF, that means highest common factor, that we can find out with the help of prime factorization method. Isi video mein hum dekhenge kaise. Sabse pehle aapko one marker question samjhata hu. Express 140 as a product of its prime factors. Abhi ye hai bahut aasan, lekin ek bar hum revision kar lete hai, ye chapter mein hai isiliye. To 140 ko humko prime factors ke form mein likhna hai. To prime factorization wala yaad karo, bachpan mein aapne aisa kiya hoga ke 140 ko hum 2 se kya divide kar sakte hai. 2 से नहीं तो 3 से चेक करना है, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से ना हो तो 7 से, 7 से ना हो तो 11 से. ऐसे आपको प्राइम नंबर से चेक करना है. तो सबसे पहले तो 140 2 से डिवाइड हो सकता है, तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए. तो आंसर जो आए 70, वो यहां पे नीचे हम लिखेंगे. अब वापस 70 को भी वही क्वेश्चन पूछो, क्या 70 2 से डिवाइड हो सकता है? यस. तो आंसर नीचे लिखो 35 को वही क्वेश्चन पूछो, 2 से डिवाइड हो सकता है? 35 मना बोलेगा. 3 से नहीं, 5 से यस, तो 5 से डिवाइड करो. आंसर नीचे लिखिए 7, तो 7 खुद प्राइम नंबर है. 7 1 जा 7, नीचे 1 आ जाए, दैट मींस 140 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इनटू 2 इनटू 5 इनटू 7. तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है और आपकी एक्सरसाइज 1.2 में भी दिया हुआ है, इसीलिए ये करना, ये सीखना अभी जरूरी है.
अभी इसी हेल्प से कि फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको तीन नंबर दिए हैं, उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एच सी एफ एंड एल सी एम ढूंढना है। तो बराबर ध्यान रखना, हम सबसे पहले एल सी एम कैसे ढूंढते हैं वो देखते हैं। तो एल सी एम ढूंढने के लिए तीनों नंबर को एक साथ यहाँ पर लिखो, 120, 72 एंड 6। अब देखो, कोई भी नंबर सपोज तीन में से, ये तो तीनों नंबर है वो टू से डिविजिबल है, अगर तीनों में से कोई एक भी अगर टू से डिविजिबल है तो हम टू लिखेंगे यहाँ पे। और 122 से डिविजिबल है, यस, तो 60। 72 टू से डिविजिबल है, तो यस 36। और 6 भी टू से डिविजिबल है तो 3। अब इन तीनों में से और वापिस टू से डिविजिबल है तो कि यस दो नंबर है वो टू से डिविजिबल है, 60 एंड 36, जबकि 3 नहीं है। तो हम टू से डिवाइड करेंगे, 60 30 हो जाएगा एंड 36 18 हो जाएगा। 3 मैंने ऐसे के ऐसे ही नीचे उतारा है। अब वापिस इन तीनों में से कोई नंबर टू से डिविजिबल है, यस, तो हम टू से वापिस डिवाइड करेंगे, 30 है वो 15 हो गया, 18 है वो 9 हो गया, 3 का 3 मैंने ऐसे ही रखा। अब कोई नंबर टू से डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं क्योंकि 15, 9 एंड 3, तो 3 की बारी आई, 3 से डिविजिबल है तो कि यस तीनों के तीनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 एंड 1, अगेन 3, तो 5, 1 एंड 1, अभी 5, तो 1, 1 एंड 1। दैट मीन्स द एल सी एम इज, ये सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2, 2, 2, 3, 3, 5, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करा, एल सी एम 360 आया। अभी हम एच सी एफ देखते हैं, तो एच सी एफ हर एक का अलग अलग पहले तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो। जैसे कि 6 है तो उसको मैंने लिखा 2 इंटू 3, फिर 72 है तो उसको मैंने लिखा 2, 2, 2, 3, 3, फिर 120 है तो 2, 2, 2, 3, 5। अब उसमें कॉमन क्या क्या है वो देखना है। तो एक तो ये 2 एक कॉमन है और 3 एक कॉमन है, तो जो एच सी एफ हुआ वो 2 3 6 हुआ। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू विल नीड टू रिमेम्बर कि फॉर एनी टू नंबर ए एन बी, एल सी एम ऑफ ए एन बी मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ ऑफ ए एन बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो एल सी एम एंड एच सी एफ की आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट जितना ही आंसर मिलेगा। अब उसी चीज़ को एक वेरीफाई करता हुआ सम, दैट फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। आपको दो नंबर दिए हैं, 5, 10 एंड 92। उसका सबसे पहले आपको एल सी एम एंड एच सी एफ ढूंढना है। तो मैं 510 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, फिर मैं 92 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो जो एल सी एम में उसका निकालूंगा, आप आगे वाली जो मेथड है उसको फॉलो कर सकते हो, इट इज़ 23,460। एच सी एफ निकालूंगा तो कॉमन सिर्फ 2 ही है। अब मैं क्या करूंगा, एल सी एम इंटू एच सी एफ करूंगा तो आंसर आया 46,920, उसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोल दूँ, एंड दोनों नंबर की प्रोडक्ट करूंगा वो भी आंसर सेम आया 46,920। तो यहाँ पे एल सी एम इंटू एच सी एफ का आंसर भी सेम आता है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का भी आंसर वही आता है। दैट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड दैट एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। नाउ गिवन दैट, ये टेक्स्ट बुक का ही 1.2 का सम है, दैट एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यू विल नीड टू फाइंड द एल सी एम ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ पे हमारे जो दो नंबर है वो 306 एंड 657 है। अभी आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर का आपको एच सी एफ दिया हुआ है, एल सी एम ढूंढना है।
तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे, दैट टू नंबर्स आर 306 एंड 657, तो एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, हमको वो मालूम है, तो एल सी एम इंटू 9, एच सी एफ दिया है 9, तो 306 इंटू 657, 9 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो एल सी एम मिलेगा 22,338। नाउ चेक, ये भी टेक्स्ट बुक का 1.2 का सम है कि चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप पहले तो इफ़ एनी नंबर, जो कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है दैट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है मतलब उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 का होना ज़रूरी है, दोनों का, ना ही कि सिर्फ एक का। कि कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल होता है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 1, 2 एंड यू विल फाइंड एटलीस्ट 1, 5। अब आप 6 raised to n को प्राइम फैक्टराइज करो तो 6 मतलब 2 into 3, तो 2 into 3 raised to n दैट मीन्स 2 raised to n मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to n। तो ये जो 6 raised to n है उसमें कहीं पे भी 2 तो है चलो, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, देयर फोर इज नॉट देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to n, देयर फोर 6 raised to n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब एक और क्वेश्चन जो 1.2 का मैंने यहाँ पे लिया है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अभी आपको ये दिखाना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है, कैसे है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हम लेंगे, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। यहाँ पे आप देखो तो ये नंबर है वो दो टर्म का बना हुआ है, जो पहला है वो 7, 11 एंड 13 का प्रोडक्ट, और दूसरा है वो 13 बीच में क्योंकि प्लस की साइन है। अब पहले और दूसरे में दोनों में से मैं 13 को कॉमन निकालूं तो बचेगा क्या, जो पहली वाली टर्म है उसमें सिर्फ 7 into 11 बचेगा और दूसरी वाली टर्म है उसमें 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये नंबर हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुआ, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा के दो नंबर की प्रोडक्ट हुआ, दैट मीन्स ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स है, नंबर है। दूसरा नंबर इसी तरह हम लें तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबका प्रोडक्ट एंड प्लस 5, तो आप 5 को कॉमन निकालो, तो इसमें भी आपको सेम लिखना है कि दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, देयर फोर दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बहुत ही इजी सम, लेकिन उसके पीछे का जो आपको क्लू है वो आपको वर्ड में, थियोरिटिकल वर्ड में आपको लिख के समझाना होगा। नाउ यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट। अब ये सम मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है, ये 1.1 का सम है, कि कुछ स्टूडेंट को इस सम में डाउट था और किसने इस सम में मिस्टेक भी की थी, तो ये मिस्टेक को हम हटाने के लिए ये सम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो आपको सपोज वी विल टेक द बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमको आंसर 3 के फॉर्म में लाना है, तो आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 0, 1 and 2 होगी। नाउ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर बी 3 है और आर की वैल्यू 0, 1, 2 हम ले लें, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आइदर 3q और 3q+1
और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। अगर मैं सबका अभी स्क्वायर करता हूँ तो 3q का स्क्वायर करूँ दैट इज़ 9q स्क्वायर, उसमें से अगर मैं 3 कॉमन निकाल के रखूँ तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, मतलब ये 3m का फॉर्म हो गया। अभी 3q प्लस 1 का स्क्वायर करूँ तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें पहली दो टर्म में से मैं 3 कॉमन निकालूँ तो ये 3m प्लस 1 का फॉर्म हो गया। एंड इम्पोर्टेंट ये है 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसको मैं एक्सपांड करता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर से तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पे लास्ट में जो 4 है उसको हम पहले 3 प्लस 1 ऐसे डिवाइड करेंगे, तो अब हमारे पास तीन टर्म पहली मिल गई कि जिसमें से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ और लास्ट में प्लस 1 बचा, तो ये भी 3m प्लस 1 का ही फॉर्म मिलेगा। ये स्टेप में स्टूडेंट है वो गलती करते हैं, तो ये स्टेप बराबर ध्यान से एकदम केयरफुली प्रोसेस करना। तो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। अभी आपको एक्सरसाइज 1.2 है वो यहाँ पे फिनिश करनी है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं और कोई कोई क्वेश्चन जो कवर नहीं किए हैं वो आपको करने हैं, तो इसको फिनिश करके आप मुझे अपना वर्क मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। इफ़ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।